नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बच्चों के पोशाक के लिए राशि का वितरण प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया। तेगरा प्रखंड अंतर्गत संचालित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुरुवार को पोशाक राशि का वितरण किया गया। प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र पिढौली रात गांव आधारपुर गौरा दो गौरा एक बरौनी एक बरौनी दो बरौनी तीन धनकौल पकठोल चिल्हाय पिपरा दोदराज एवं नगर परिषद क्षेत्र तेगरा तथा नगर परिषद क्षेत्र बरौनी के अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों पर जनप्रतिनिधि एवं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की देखरेख में अभिभावकों एवं बच्चों के बीच पोशाक राशि का वितरण किया गया। बरौनी एक के केंद्र संख्या 76, 77, 79, 80, 82, 84, 162, 169 आदि केंद्रों पर महिला सुपरवाइजर प्रमिला सिन्हा की निगरानी में राशि वितरण की गई। LS प्रमिला सिन्हा ने बताया कि बच्चों के अभिभावकों के बीच 400 रुपये की हिसाब से पोशाक की राशि का वितरण किया गया। मौके पर नीतू कुमारी सहित अन्य आंगनबाड़ी केंद्र सेविका तैयारी के साथ राशि वितरण का कार्य में लगे रहे। वहीं रातगांव पंचायत के केंद्र संख्या 12 सहित अन्य केंद्रों पर LS आरती कुमारी एवं पंचायत की मुखिया आरती कुमारी तथा वार्ड सदस्य सुशील कुमार की मौजूदगी में राशि का वितरण किया गया। मुखिया आरती कुमारी ने सेविका और सहायिकाओं से अनुरोध किया कि नियमानुसार केंद्रों का संचालन करें ताकि बच्चों को योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। वहीं LS आरती कुमारी ने अभिभावकों से आग्रह किया कि इस राशि से निश्चित रूप से अपने अपने बच्चों का ड्रेस बनवा दें ताकि केंद्र पर प्रतिदिन बच्चे ड्रेस पहनकर केंद्र पर उपस्थित हो सके। मौके पर आंगनबाड़ी सेविका मंजू कुमारी एवं सहायिका नीलम देवी के अलावे पोशाक क्षेत्र के दर्जनों महिला अभिभावक की मौजूदगी में राशि का वितरण किया गया। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।